आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और आपके साथ मैं हूं नवीन गुप्ता। झारखंड विधानसभा का आज विशेष सत्र है। सदन में 1932 के खतियान और ओबीसी आरक्षण समेत कई अहम विधेयक पेश होंगे। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच भिड़ंत देखने को मिल सकती है। हालांकि मुख्य विपक्षी दल बीजेपी 1932 के खतियान को आधार बनाने और आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने संबंधी विधेयक पर सैद्धांतिक तौर पर सहमत है, लेकिन विधानसभा में विपक्ष की ओर से कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश होगी। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से भी विपक्ष को जवाब देने की पूरी तैयारी की गई है। तो आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा का आज विशेष सत्र बुलाया गया है। खतियान को आधार बनाने और आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने संबंधी विधेयक पर बीजेपी सैद्धांतिक तौर पर सहमत है, लेकिन विधानसभा में विपक्ष की ओर से कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की भी बीजेपी कोशिश करेगी। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से भी विपक्ष को जवाब देने की पूरी तैयारी की गई है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि पक्ष और विपक्ष विधानसभा में एक दूसरे के सामने कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। तो विधानसभा का विशेष सत्र ये बुलाया गया है जिसमें 1932 के खतियान को आधार बनाने और आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने संबंधी विधेयक पर सैद्धांतिक तौर पर जो बीजेपी सहमत हुई है उस पर आज सहमति बन सकती है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शाहनवाज जुड़ चुके हैं। शाहनवाज, आज अहम सत्र बुलाया गया है विधानसभा का जिसमें 1932 के खतियान और ओबीसी आरक्षण समेत कई अहम विधेयक पेश होने हैं, लेकिन जो राजनीतिक परिदृश्य रहा है राज्य का उसे लेकर और क्या कुछ होने को आसार हैं सदन में? बिल्कुल, आज के विशेष सत्र को सिर्फ इसी वजह से बुलाया गया है कि 1932 के आधार पर स्थानीय नीति जो बनानी है उस विधेयक को पास कराना है। साथ ही ओबीसी आरक्षण जो 27% किया गया है, पिछले दिनों ही कैबिनेट ने अप्रूव किया, उसे भी सदन से पास कराना है। ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको आज सदन में लाया जाएगा और उसे पारित कराया जाएगा। जहां तक सरकार की जो स्थिति है, तमाम लोगों को पता है ईडी और आईटी लगातार रेड चल रही है, तो इस विशेष सत्र के माध्यम से सरकार ये भी अपनी बहुमत को, अपनी मेजोरिटी को एक बार फिर साबित करने की करके ये दिखाएगी कि अगर उनकी सरकार को अपदस्थ किया जाता है, ये कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश होगी कि एक फुल मेजोरिटी की सरकार, एक बहुमत वाली सरकार को किस तरह से अपदस्थ किया गया है, उसको परेशान किया गया है। तो एक सत्र से कई मैसेज देने की कोशिश है, यही वजह है आज के सत्र को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दूसरी अहम बात यह है कि कांग्रेस के तीन जो विधायक जो कैश कांड में शामिल रहे हैं, इन तीन विधायकों की आज वापसी की भी खबर है। बताया ये जा रहा है कि तीनों लोग ही विधानसभा पहुंचेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि स्पीकर उनके बैठने की क्या व्यवस्था करते हैं, बैठने की अनुमति देते हैं या नहीं देते हैं, या उनको कांग्रेस के साथ बैठाया जाता है या फिर अलग से बैठाया जाता है, ये स्पीकर के विवेक पर डिपेंड करता है। जो नियम कानून तर्कसंगत होंगे उसी के आधार पर वो डिसीजन लेंगे। तो ये दो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, एक दो विधेयकों को लाना है और एक जो तीन विधायक कोलकाता से वापस आ रहे हैं, इन तीन विधायकों को लेकर आज का कुछ होता है उस पर भी नजर बनी रहेगी। लेकिन विपक्ष ने एक जो कल जिस तरह से विधायक दल की बैठक की जिसकी अगुवाई बाबूलाल मरांडी ने की, उस बैठक में भी ये तय हुआ है कि 1932 का साथी पार्टी जो है यानी बीजेपी आगे बढ़ेगी, लेकिन पार्टी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं कि ये भले ही यहाँ से सदन से पारित कराकर सेंटर को भेज दिया जाए, लेकिन ये सिर्फ एक लॉलीपॉप की तरह है। सरकार को पता है कि ये कोर्ट में खड़ा नहीं हो पाएगी, कोर्ट में इसे चैलेंज किया जाएगा और कहीं ना कहीं ये जो 1932 स्थानीय नीति बनाने की बात है ये कहीं ना कहीं धरातल पर नहीं उतरेगी। लेकिन बीजेपी के सामने एक विवशता है, एक मजबूरी है, उसे 1932 को के साथ जाना पड़ेगा, नहीं तो जो झारखंड का जो सेंटीमेंट है वो कहीं ना कहीं उनको पॉलिटिकल नुकसान पहुंचाएगा। लिहाजा पार्टी इस चीज को समझती है, इसीलिए कहीं ना कहीं पार्टी दबाव में कहे, प्रेशर में कहे, इस बात को मानने के लिए बाध्य है कि 1932 का विरोध नहीं करेगी, लेकिन उन्होंने सरकार की मंशा पर जरूर सवाल खड़े किए हैं। शाहनवाज, मुख्य विपक्षी पार्टी जो बीजेपी है वो सैद्धांतिक तौर पर सहमति बना चुकी है 1932 खतियान और ओबीसी आरक्षण पर, लेकिन इसके अलावा जो विपक्षी पार्टी है वो सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश करेगी, वो कोशिश कौन सी हो सकती है? बिल्कुल, देखिए शुरू से ही जो विपक्ष है खास करके बीजेपी है वो सरकार से खास कर मुख्यमंत्री से नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग कर रही है। उन्होंने कहा है कि ईडी ने दोबारा समन किया है, लिहाजा कहीं ना कहीं नैतिकता मोरालिटी के आधार पर सीएम को इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि जो पॉलिटिक्स होती है उसमें नैतिकता की बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं होती है, उसमें प्रैक्टिकलिटी ही चलती है।
लिहाजा कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष ने इस बात को नकार दिया है। तो कहीं ना कहीं अब ये अच्छा मौका विपक्ष के लिए भी है कि सदन के माध्यम से झारखंड की 3 करोड़ जनता के सामने वो अपनी बातें रख सकता है और सरकार की घेरेबंदी कर सकता है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि विपक्ष की तैयारी कितनी है, विपक्ष ने होमवर्क कितना किया है, विपक्ष ने क्या कुछ तैयारियां की है जिसे वो विधानसभा के अंदर सरकार को घेरने में कामयाबी हासिल करती है या नहीं करती है। लेकिन विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, दोनों के लिए बेहतर मौका है झारखंड की समस्त जनता को वो संबोधित कर सके। जी धन्यवाद शाहनवाज इन तमाम जानकारियों के लिए।